नमस्कार दोस्तों, हवा थोड़ी सी तेज है लेकिन आपको जानकारी दे दूं, ट्रेंच विधि के गन्ने को बोने से पहले कुछ किसान भाइयों के विचार आते हैं कि हम इसे जोतेंगे कैसे, खोद देंगे कैसे। लेकिन मैंने आज आपको एक ऐसा सफल नुक्ता दिखाया है जो वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये महिंद्रा 265 ट्रैक्टर है और सिंपल कल्टीवेटर है, जो नॉर्मल कल्टीवेटर होता है ट्रैक्टर का वही कल्टीवेटर है। इसके बीच की टैन निकाल दी इन्होंने, तो ये कल्टीवेटर काफ़ी अच्छा काम करता है और मेरे हिसाब से तो इस कल्टीवेटर की अगली टैन भी लिखनी चाहिए थी ताकि वो अच्छे से अच्छा काम कर सकें और काफ़ी मतलब अपने गन्ने की जो नड़ाई गुड़ाई है वो कल्टीवेटर ना जोड़ करके इन्होंने इसी टीलर को बनाया, तो 25 से 30 हज़ार रुपये की तो बचत कर ली और लगभग अपना वही काम, यो काम टीलर कर रहा है, वही काम बैठे अपना दो नट खींच के वाली टैन लगा देंगे। तो दोस्तों इन्होंने ट्रेंच विधि से गन्ना लगाया, आप देख सकते हो गन्ने में काफ़ी अच्छा ब्यांत है और इधर भी दिखा दूं मैं आपको, कहीं कहीं को तो देखो कोई कोई सीधा हो जाता है लेकिन आप देखो इसकी क्वालिटी देखो आप। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी दूं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जब भी आप ट्रेंच विधि का गन्ना लगा रहे हो यहाँ देखो आप ये यहाँ मतलब ब्यांत बहुत ज़्यादा है और आप इस खूड को देखो ये इस वाले को बारीक से। तो दोस्तों आप जो है जो नॉर्मल विधि का गन्ना है उसी विधि का बीज इसमें लगाएं, यानी कि अगर आप 5 क्विंटल बीज लगाते हो ना तो मेरे हिसाब से तो 5 ही क्विंटल बीज इसमें लगना चाहिए, उसके बाद ही और जो है ना गन्ना इसमें वो बीज का जमाव ज़्यादा आता है और ज़्यादा गन्ने होने के कारण से गन्नों का समूह मजबूत होता है। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने अभी बातचीत करी है, लेकिन अगर गन्ने क्योंकि जो हिसाब किताब इसका बैठता है ना ट्रेंच का 105 क्विंटल बता रहे थे इन्होंने, यहाँ 2-3 किसानों ने 105 क्विंटल गन्ना निकाला, तो मैं यूँ कह रहा हूँ अगर ये 80 क्विंटल भी निकल रहा है और इतनी जगह जगह छुटके निकल रहा है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप निसंकोच बेफिक्र होकर निकालो और जुताई करने में फ़ायदा। अब कहाँ तक कटड़ों की पूँछ पिटता है तुम्हें बताओ, हमारे भाई 70% आने वाले टाइम में कटड़े बेच देंगे, ट्रैक्टर ले लेंगे, क्योंकि हमने खुद बेच दिया कटड़ा, तो बताओ क्या करा जाए, कुछ तो करेंगे भैया। कटड़ों की पूंछ कब तक पीटते, 1.5-2 घंटे ले जा खेत में जाने में, 1 घंटा तो चक्रोड़ जाने में, 1 घंटा वैसे है, 1 घंटा वैसे है। मुझे लगे ट्रैक्टर में कुछ टूट का देखा है, क्रैंक टूट गई, क्रैंक और क्या टूट गया, अच्छा मैं सोच रहा इंजन बैठ गया, चलो चल दोस्तों इंजन वंजन नहीं बैठा ना, क्रैंक टूटी, सही है, बढ़िया ट्रैक्टर है, मजबूती से काम कर रहा है, मामा जी का ट्रैक्टर स्पेशल है, भागे बहुत है, इस ट्रैक्टर की रफ्तार इतनी है कि वो ट्रैक्टर 80-85 की स्पीड पकड़ता है, क्योंकि इन्होंने इसका गवर्नर में कुछ बदलाव करवा कर स्पीड बढ़वा रखी है। कंपटीशन मत करियो कभी, सहज में कमेंट कर दो, बहुत ज़्यादा भाग जा, मैं कम बता रहा हूँ, इन्होंने कह दी मुझसे इसलिए हल्की आवाज़ में बता रहा हूँ। मामा जी अगर कोई रेस करना चाह रहे तो कर लोगे, हैं भगा दोगे तेज, चाहे 575 हो कोई सा भी हो, तो भैया रहन दीजो। तो दोस्तों ट्रैक्टर 4 सिलेंडर में नहीं है, 3 में ही है, क्योंकि 265 है, पर जो आवाज़ आ रही थी वो क्रैंक प्रैंक ना टूटी, वैसी बेल्ट की आवाज़ आ रही थी। और अम्मा जी गन्ना कितना निकट रहा है यो? यार हमने तो अब की बोया पर जो बो रहे 105 का बता रहे, फायदा है इसे बोने में कुछ नहीं फायदा है भैया, सारा ही फायदा, ना तो इसकी बंधाई होनी, अच्छा ना इसकी खुदाई होनी, अच्छा जी ना इसमें हेल्प बेल वेल ढूंढने पड़ने किसी के, अपने ट्रैक्टर से जुताई होनी, जब जी करा जुताई काट देंगे ना। बीज कितना क्विंटल लग रहा है इसमें, लगभग 3 क्विंटल लगाया इन्होंने, लेकिन कायदे में 4-5 क्विंटल तो लगना चाहिए, क्योंकि बीज ज़्यादा लगेगा जब ही जमेगा। तो दोस्तों आपको ट्रैक्टर का ये कैसा लगा समाधान, और एक तो मैं फ़ायदा दिखाऊं, यहाँ पे इन्होंने मौजी बांध दी, सब चीज़ दिया माल, अब नन्ना जी आके इन्हें थोड़ा सा लाड़ प्यार से करेंगे, ये देखो। तो दोस्तों धन्यवाद और